Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th Social Studies Worksheet Week 28 Topic Governing Bodies of the World. आज हम क्लास 5th Social Studies की वर्कशीट सॉल्व करेंगे Week 28 Topic Governing Bodies of the World. तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं. Question 1, fill in the blanks using the correct word. प्रश्न एक, उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर खाली स्थान भरिए. बच्चों आप देख सकते हैं ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं. काठमांडू 2007, 8 दिसंबर 1985, 8. आपको सही वर्ड को खाली स्थान में भरना है. फर्स्ट, सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, सार्क की स्थापना डैश को हुई थी, तो यहाँ लिखेंगे 8 दिसंबर 1985. सेकेंड, द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज सिचुएटेड इन, सार्क का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो यहाँ फिल करेंगे काठमांडू. थर्ड, डैश कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क, सार्क के सदस्य देशों की संख्या डैश है, तो यहाँ लिखेंगे 8. फोर्थ, अफगानिस्तान बिकेम द 8th मेंबर ऑफ सार्क इन डैश, डैश में अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बना, तो यहाँ लिखेंगे 2007. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट, राइट द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, दक्षेस, सार्क को हिंदी में दक्षेस कहते हैं. सार्क का पूरा नाम लिखिए, तो यहाँ हम सार्क का पूरा नाम लिखेंगे, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन टू, राइट द नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ सार्क, सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट इंडिया, सेकंड भूटान, थर्ड बांग्लादेश, फोर्थ मालदीव्स, फिफ्थ श्रीलंका, सिक्स्थ पाकिस्तान, सेवन्थ नेपाल, एट्थ अफगानिस्तान. तो ये 8 सार्क के मेंबर्स हैं. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क, सार्क के क्या उद्देश्य हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट, टू एक्सपेंड द ट्रेड, सेकंड रीजनल कोऑर्डिनेशन अमंग द कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन थ्री, मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए. यहाँ पर कंट्री और उनके नेशनल फ्लैग दिए गए हैं. आपको कंट्री के नेम का मिलान उसके नेशनल फ्लैग से करना है. फर्स्ट इंडिया, इंडिया को मैच करेंगे बी से. सेकंड नेपाल, नेपाल को मैच करेंगे सी में दिए गए नेशनल फ्लैग से. थर्ड मालदीव्स, मालदीव्स को मैच करेंगे ए में दिए हुए नेशनल फ्लैग से. फोर्थ बांग्लादेश, बांग्लादेश को मैच करेंगे ई में दिए गए नेशनल फ्लैग से. फिफ्थ भूटान, भूटान को मैच करेंगे डी में दिए गए नेशनल फ्लैग से. चलिए आगे बढ़ते हैं. लाइफ स्किल, टॉयलेट ट्रेनिंग, जीवन कौशल, शौचालय शिष्टाचार. क्वेश्चन वन, वॉच द गिवन वीडियोस एंड मार्क राइट और रॉन्ग, दी गई वीडियो देखकर निम्नलिखित में सही अथवा गलत का निशान लगाइए. फर्स्ट, वी शुड फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज़, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हमें फ्लश करना चाहिए. करेक्ट, राइट, यहाँ राइट का मार्क लगाएंगे. सेकंड, वी शुड नॉट वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथ नहीं धोने चाहिए. रॉन्ग. थर्ड, वी शुड क्लोज द टैप प्रॉपरली आफ्टर यूज़, इस्तेमाल के बाद नल को ठीक से बंद करना चाहिए. राइट. फोर, वी शुड नॉट सेव वाटर, रॉन्ग, हमें पानी नहीं बचाना चाहिए. रॉन्ग. फिफ्थ, वी शुड यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, टॉयलेट सीट का इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन टू, हु क्लीन्स द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में टॉयलेट कौन साफ करता है, तो इसका आंसर लिखेंगे द स्वीपर ऑफ आर स्कूल क्लीन्स द टॉयलेट एरिया इन आर स्कूल. क्वेश्चन थ्री, डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ, क्या आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद वैसा ही छोड़ते हैं जैसा आपको चाहिए, तो इसका आंसर लिखेंगे येस,
I leave the toilet as clean as I want it for myself and everybody should follow this practice. तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।